हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब गाइस ये जो प्रोजेक्ट है ना वो हम लोग 2-in-1 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब गाइस बहुत सारे लोगों के ना यार बहुत ज़रूरतें की चीज़ होती है और उस टाइम पे हमारे पास में ये प्रोजेक्ट होता नहीं। आप लोगों ने देख लिया थंबनेल में कि भाई हम लोग बनाने वाले क्या है। हम लोग बनाने वाले एक लिथियम आयन बैटरी चार्जर, ठीक है, जो 1855 बैटरी आती है उसका हम लोग चार्जर बनाने वाले हैं। लेकिन ये उसका चार्जर होने के साथ साथ आप अपने इससे स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हो, कोई और चीज़ें भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें आप मल्टीपली चार्ज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई इस प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से बनाने वाले हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग घर पे ही मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं और उन्हीं से हम लोग इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनाना है इसको। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो हिट यार ज़रूर से कर ही लेना, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर पाओ कभी भी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट। तो गाइज इसके लिए हम लोगों ने एक पाइप ले लिया, 4 इंची का पाइप है। इसको हम लोगों ने हीट करके ना इस तरीके की शेप में कर लिया। अब गाइज इसको अगर मैं करके दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में जो इसकी किनारियाँ बची हुई हैं उनको हम लोग सैंड पेपर से घिस के एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल उसको जो है प्लेन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसके जो किनारियाँ ना उनको प्लेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साइड में भी जलने की वजह से थोड़ी थोड़ी किनारियाँ हो गई है तो उनको भी हम लोग यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। अब इसको आप इजीली हीट करके इसमें लकड़ी वगैरह के कुछ 2 टुकड़े लगा के इसको इजीली कर सकते हो। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पीवीसी की एक शीट ले रहे हैं और उस पर अंदर की साइड से 2 मार्किंग इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अंदर की साइड से दोनों साइड की मार्किंग बना लेनी है। अब गाइस दोनों मार्किंग हम लोगों ने यहाँ पे कट कर लिया, तो एक जो पीस है उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको दबा के और फेविक्विक इस पर लगा देंगे, जिससे कि और भी अच्छे से टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पीस टाइट हो गया, लेकिन इस वाला जो दूसरा वाला पीस है उसको भी एक बार देख लेंगे सही आ रहा है नहीं, लेकिन उसको भी चिपकाना नहीं है। उसमें हमको काम करना है, बैटरी लेनी है हमको लिथियम आयन बैटरी। आपको जितनी बैटरी लगानी है ना उतनी बैटरी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे मैं 2 बैटरी के लिए बना रहा हूँ तो मैं 2 बैटरी ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसमें मार्किंग कर ली बैटरी के अकॉर्डिंग और उसको कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में इसके साइड से अंदर की तरफ से एक पीस और यहाँ पे मार्किंग करेंगे जो हम लोगों ने पीस कट किया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग 0.75 इंचेस की मार्किंग बना लेंगे, ठीक है। 0.75 की मार्किंग हम लोग चारों तरफ से बना करके और इसको इस तरीके से मार्किंग करके और इसको कट करके इसका ना हम लोगों को एक बॉक्स टाइप बना लेना है, ठीक है। सभी पीसेस को हमको पहले इसको कट करना होगा, मार्किंग कर ली। अब उसके बाद में हम लोगों ने इनको कट भी कर लिया और कट करने के बाद इनको फेविक्विक की हद से इस तरीके से हम लोगों को फिक्स करना है। तो फेविक्विक की हम लोग एक एक ड्रॉप इसमें डालेंगे, उतना ही इसमें काफ़ी है, ठीक है। फिलहाल के लिए टेम्पररी एक एक ड्रॉप डाल देंगे, उसके बाद में इसको अच्छे से टाइट कर देना और भी सही से इसमें फेविक्विक लगा देनी है। गाइस फेविक्विक लगा के और इसमें हम लोगों ने ना एक बैटरी होल्डर इसका बना दिया है बॉक्स का। अब इसको अगर मैं बना के दिखाता तो भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसी वजह से मैंने इसको नहीं बना के दिखाया आपको कि किस तरीके से बनाना है। तो अगर आप लोग चाहो कमेंट करके बता देना तो उसको मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पुराना पड़ा हुआ चार्जर ले लिया है, ठीक है। आप लोगों के पास में अगर पुराना चार्जर हो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। वरना यार 100-150 रुपये का चार्जर इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। लोकल जो चार्जर होता है वो, क्योंकि ये बैटरी के लिए हमारा लोकल चार्जर ही काम कर जाएगा। अब उसके ऊपर का जो पीस था उसको मैंने होल्डर टाइप बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे चिपका देंगे। मैंने सभी पीसेस को ना चिपका दिया है क्योंकि इसमें कनेक्शन कोई हार्ड नहीं है। जो हमारे बैटरी होल्डर के वायर थे उसमें मैंने चार्जर आउटपुट के वायर जोड़ दिए और जो प्लग वाले थे इसको मैंने इनपुट के वायर जोड़ दिए, ठीक है। सिंपल वायर हम लोगों ने कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस पर कलर वगैरह कर लिया थोड़ा सा। गाइस हम लोगों ने पेंट किया, स्प्रे पेंट हमारे पास ख़त्म हो रहा था, पेंट किया है तो डीजल वगैरह डाला जाता है तो उसकी वजह से शाइनिंग इसमें जो थोड़ी ज़्यादा आ रही है। अब आप लोग देखो इसको मैं वर्क दिखाता हूँ आपका। मैंने बोर्ड में लगाया और जैसे ही मैं इस वाले जैक में लगा रहा हूँ तो भी ये USB में चार्ज हो रहा है, इस वाले में लगा रहा हूँ तो भी चार्ज हो रही है बैटरी हमारी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार फ़ोन और चार्ज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं फ़ोन को यहाँ पर लगाता हूँ आप लोग देखोगे गाइस फ़ोन जो हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो गया, 50 मिनट अनटिल फुल बता रहा है, ठीक है। क्योंकि लोकल चार्जर है तो गाइज ये जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग है वो इजीली आप लोग क्लियर देख सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ हमारी जो चार्जिंग, देखो 92% है, 50 मिनट अनटिल फुल बता रहा है क्योंकि फास्ट चार्जर नहीं है यार, सिंपल सी बात है। ये फ़ोन जो होते हैं फास्ट चार्जिंग वाले होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बैटरी भी चार्ज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बैटरी हम लोगों ने ले लिया लिथियम आयन बैटरी। पहले मैं आपको वोल्टेज इसके चेक करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो 3.2930 के आसपास में वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बैटरी के भी दिखा देता हूँ, 3.54 के आसपास में इसके वोल्टेज आ रहे हैं। अब इनको हम प्लस की तरफ प्लस लगा देंगे। अब प्लस हम लोगों ने एक तरफ लगे रखे बैटरी होल्डर में, माइनस एक तरफ। इसको चार्जिंग पे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे जो बैटरी है वो हीट भी हो चुकी है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई ऐसी वो नहीं लगाई है जिससे कि हमारी बैटरी फुल चार्ज होने पे सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम हमारे मल्टीमीटर में बहुत बड़ी आ गई है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस यार आई होप कि आप लोगों को यार ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब यार हमारे साथ में इसमें लास्ट में ना एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम गाइस क्या हो गई कि हमारा जो मल्टीमीटर था ना उसमें पता नहीं कुछ खराबी हो गई और उसमें जो वोल्टेज थे वो खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे बिना बैटरी से उसको कनेक्ट किए भी, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को बैटरी के वोल्टेज चेक नहीं करवा पाया हूँ लास्ट में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने फ़ोन भी इससे चार्ज करते हुए दिखा दिया और आपको इसमें एक मैंने लाइट भी चार्ज करके दिखा दी, ठीक है, कि 100% यार ये जो चार्जिंग काम करती है, ठीक है, और बैटरी भी 100% चार्ज होती है। मैंने जब उन बैटरीज को चेक किया तो गाइज वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। पहले मोटर को स्लो घुमा रही थी लेकिन बाद में मोटर को काफ़ी हाई स्पीड से घुमा रही थी, ठीक है। मल्टीमीटर ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों को उस चीज़ को दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ले और अगर गाइज बस यही थी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक तो यार कर ही देना। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों से कहा था लेकिन अगर अभी तक भी नहीं किया था यार लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय।